वहीं बदायूं में विद्युत कर्मचारी को पीटने का मामला सामने आया, जहां सपा विधायक आशुतोष मौर्य पर मुकदमा दर्ज हुआ है और सपा विधायक ने बिजली घर में तोड़फोड़ की थी। अपने गुर्गे के साथ पहुंचे थे सपा विधायक और विधायक की गुंडई से बिजली कर्मचारियों में रोष है। देर रात बिजली घर में जाकर तोड़फोड़ की गई थी। तो बदायूं से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां विद्युत कर्मचारियों को पीटने का मामला सामने आया है और कहा जा रहा है सपा विधायक आशुतोष मौर्य पर मुकदमा इस पूरे मामले में दर्ज हो गया है। सपा विधायक ने बिजली घर में तोड़फोड़ की थी और जिसके बाद से यहां पर लगातार ये मामला गहराता जा रहा था। बदायूं से बड़ी जानकारी, जहां विद्युत कर्मचारी को पीटने का मामला सामने आया है और सपा विधायक आशुतोष मौर्य पर मुकदमा दर्ज हो गया इस पूरे मामले में। आपको बता दें कि सपा विधायक ने बिजली घर में तोड़फोड़ की थी, रात में बिजली घर जाकर वहां पर अपने गुर्गों के साथ सपा विधायक पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तोड़फोड़ की, हंगामा किया, विधायक की गुंडई से बिजली कर्मचारियों में इसको लेकर रोष है, जिसके बाद से इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया है सपा विधायक के खिलाफ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा विधायक ने बिजली घर में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद से अपने गुर्गे के साथ सपा विधायक पहुंचे और बिजली घर में तोड़फोड़ की और विधायक की गुंडई से बिजली कर्मचारियों में रोष है, गुस्सा है और जिसके बाद से कर्मचारियों ने सपा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जांच होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे बदायूं से, जहां सपा विधायक की गुंडई देखने को मिली है। आशुतोष मौर्य पर मुकदमा दर्ज हो गया है उनकी गुंडई की वजह से। सपा विधायक ने बिजली घर में तोड़फोड़ की, अपने गुर्गे के साथ वो वहां पर पहुंचे थे और जिसके बाद से तोड़फोड़ की, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे किस तरह से यहां पर बिजली घर में पहुंचे थे और जहां पर सपा विधायक ने गुंडई दिखाई है और गुंडई दिखाते हुए यहां पर तोड़फोड़ की, जिसके बाद आक्रोशित कर्मचारियों ने सपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 12:05 पर स्थानीय विधायक श्री आशुतोष मौर्य द्वारा बिजली घर पर आकर के और इनके साथ अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डाली गई और इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसको भी संज्ञान में लिया गया है। इस संबंध में थाना बिसौली पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अतुल शर्मा संवाददाता, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? सपा विधायक जिस तरह से गुंडई दिखाते हुए नजर आ रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है अभी? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके देर रात विधायक अपने 4-5 गुर्गों के साथ विद्युत उपेंद्र पे गए और वहाँ जाकर उसके साथ जमकर मारपीट की, जो उसका बुक थी उसको भी फाड़ दिया, रोस्टर बुक थी उसको भी फाड़ दिया। इसको लेके आज बदायूं पुलिस ने जो एक बाइट दी है एसएसपी ग्रामीण ने, मुकदमा दर्ज कर लिया है सरकारी कार्य में बाधा डालने का और कई ऐसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। इसको लेकर पुलिस कतई भी कोई भी ढिलाई बरतने को तैयार नहीं है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अतुल बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे।